बीच में आपको झारखंड की एक कवायद दिखाता हूं। झारखंड में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची दिखाता हूं। 7 सीट ऐसे हैं जिस झारखंड के जिसपे कांग्रेस का दावा है, संभावित उम्मीदवारों की सूची बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, लेकिन एक सीट लोहरदगा जरूर अटका हुआ है कहीं ना कहीं। जामुमो तो चमरा लिंडा भी दावा ठोक रहे हैं। अब किसकी सीट किसको मिलेगी यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन INDIA के लिए यह बड़ी चुनौती है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं JMM 5 सीटों पर, जबकि RJD और माले एक एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। गोड्डा, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, रांची, हजारीबाग और पलामू में कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस से संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे, प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी, धनबाद से कुमार गौरव, जलेश्वर महतो, ददई दुबे और अनुपमा सिंह, लोहरदगा से सुखदेव भगत, शिल्पी नेहा तिर्की और रमा खलको, खूंटी से कालीचरण मुंडा, प्रदीप बालमुचू और दयामणि बारला, हजारीबाग से अंबा प्रसाद, यशवंत सिन्हा और सौरभ नारायण, पलामू से प्रभात भुइया और संजय लाल पासवान और रांची से सुबोध कांत सहाय, केशव महतो, कमलेश और विनय सिन्हा दीपू। सीट बंटवारे के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए आखिरी सवाल, समय कम है, सीधे सीधा रुख कांग्रेस से ही करते हैं। राकेश जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है, लेकिन धनबाद बड़ा चौंकाने वाला है। कुमार गौरव भी है, अनुपमा सिंह भी है। अभी तुरंत वंशवाद परिवारवाद की बात हो रही थी, एक बार फिर नाम आ गया। मुझे लगता है कि आपके पास ये सूची कहाँ से उपलब्ध हुई है ये मैं नहीं जानता जी, और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है जी। सूची में आप क्या दिखाए हैं ये तो मैंने देखा है जी, लेकिन ये सूची आपने कहाँ से लाया? नहीं, सूची है और आपके पास रहेगी। मैं अभिषेक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सूची आपने कहाँ से लाया ये मुझे पता नहीं जी। अभी स्क्रीनिंग हमारा चलेगा जी, और हमें लगता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर जी तमाम सीटों पर स्क्रीनिंग खत्म। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम संभावित उम्मीदवार हैं, इनसे भी ज्यादा योग्य उम्मीदवार संभावित जिला में कोई दिख रहा है? जो जिले हम लोग दिखा रहे हैं कौन, इसलिए मैंने कहा कि उम्मीदवार कौन होंगे ये वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये आपने संभावित दिया है, ठीक है, आपने जारी किया है, लेकिन प्रदेश कमेटी ने भी सूची भेजी है ICC को। नहीं नहीं, वो सूची आप ये कौन सी सूची आपने चलाया है इसकी जानकारी मुझे। हमने तो प्रभात भुइया का नाम भी चला दिया, प्रभात भुइया अभी आपकी पार्टी में है भी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सूची आपको कहाँ से उपलब्ध हुई है जी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बातें हो रही है और बहुत जल्द हमारे यहाँ प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। चलिए, वक्त की बहुत कमी है, कई सवाल अधूरे रह गए हैं, लेकिन चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर अपने अतिथियों से भी मुलाकात हमारी हर रोज होती रहेगी, बातें होती रहेंगी, सवाल जवाब होते रहेंगे। झामुमो से कई सवाल हैं, क्योंकि बिना हेमंत सोरेन के चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं, अगर इस बात को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का, तो इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ना है। ये बात झामुमो भी समझता है, ये बात INDIA गठबंधन भी समझता है, कि इसीलिए तमाम राजनीतिक दावपेच के बाद ये जो रिजल्ट निकलकर, जो परिणाम निकलकर सामने आया, वो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाला हो सकता है। चलिए, धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से डॉक्टर तनुज खत्री थे। तनुज, धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ थे। राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। अविनेश कुमार सिंह जी भाजपा से जुड़े थे। अविनेश जी, धन्यवाद आपका। और आसू से गौतम सिंह जुड़े थे। गौतम जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी ने अपना कीमती वक्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।